हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आप इसे चना दाल की सब्जी बोले, चना दाल का तड़का बोले, या फिर चना दाल का दाल भी बोल सकते हैं। अगर आपके घर में कोई कोई हरी सब्जी या सब्जी ना भी हो तो आप ये बना सकती हैं, ये खाने में भी अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले मैं इसमें तड़के के लिए जीरा ले ली हूँ, थोड़ा सा, एक छोटी चम्मच। उसके बाद मैं एक प्याज को काट ली हूँ, बारीक काट ली हूँ। उसके बाद मैं दो चार लहसुन काट के रख ली हूँ, दो तीन हरी मिर्च, एक टमाटर को चॉप कर लिया है, फिर धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और चिकन मसाला, चना दाल, इतने चीज़ों का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए इसे बनाते कैसे हैं देखते हैं। सबसे पहले मैं कुकर को गैस पे गर्म होने के लिए रख दी हूँ। कुकर गर्म हो रहा है, मेरा कुकर गर्म हो गया है। अब मैं इसमें तेल डालूँगी। मैं इसमें लगभग एक बड़ी चम्मच तेल डाल दी हूँ, इसको गर्म होने दूंगी। तेल गर्म हो गए, इसमें मैं एक तेज पत्ता टेस्ट के लिए रख दूंगी। इसके बाद मैं जीरा डालूंगी, मैं जीरा डाल दिया। जीरा को थोड़ा सा फ्राई होने देती हूँ। फिर मैंने मिर्ची डाल दिया, मिर्ची को लाल कर दिया। फिर मैं इसमें लहसुन डालूंगी, लहसुन को फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी, इसको लो मीडियम फ्लेम पे प्याज को फ्राई करूंगी। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। 2 मिनट फ्राई करने के बाद मेरे प्याज गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। मसालों में मैं एक चम्मच हल्दी, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, नमक टेस्ट अनुसार, आधा चम्मच चिकन मसाला। इसके बाद मैं इसमें टमाटर भी डाल दूंगी। अब थोड़ा सा पानी डाल के इसको फ्राई करूंगी। इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, इसको फ्राई करूंगी। चना दाल डाल के बिल्कुल फ्राई नहीं करना है। चना दाल डाल के फ्राई करके तो चना दाल जल्दी पकते नहीं है, उन्हें पकाने के लिए 20-30 सीटी लगानी पड़ती है। इन मसालों को मैं 2-3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लूँ। देखिए साइड साइड से तेल निकलना शुरू हो जाए। मुझे कि हमारे मसाले पक चुके हैं, अभी तेल नहीं निकल रहे हैं। देखिए इनमें साइड साइड से तेल निकल रहा है, इसका मतलब मेरे मसाले फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें चना दाल डाल दूंगी। इसे डाल के बस ऐसे मिक्स करके इसमें पानी डाल देना है, फ्राई नहीं करना है इसे ज़्यादा देर तक। एक गिलास पानी डाल दूंगी,
एक्चुअली एक लोग के लिए बनाना है, इसलिए मैंने छोटे गिलास से एक गिलास दाल और बड़े गिलास से एक गिलास पानी यूज किया है। आपको जितने लोगों के लिए बनाना है उसके हिसाब से बना सकते हैं। चटनी को बंद कर दूंगी। कुकर बंद करने के बाद 5 से 6 सीटी लगाएंगे मीडियम लो फ्लेम पे। 5 से 6 सीटी लगने के बाद मैं आपको बताती हूँ। इसमें दाल के 5-6 सीटी हो चुके हैं, अब मैं गैस बंद कर दूंगी। उसके बाद मैं इसे एक साइड में रख दूंगी। उसको साइड में रख के फिर मैं अपना दूसरा कोई काम करूंगी। सीटी जब तक उसमें निकलता नहीं है, उसके सीटी जब निकल जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी। तो ये रही आपके चने की दाल की सब्जी। आप ये सबसे आसान तरीके हैं और बहुत जल्दी 10 मिनट में बन भी जाता है। आप इसे आज जरूर ही ट्राई करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। जो कोई भी कमी नज़र आती हो मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।